वालेकुम, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू व्लॉग। और हमारे यहाँ की गई हुई है लाइट। अब ये हमारा जो सेवर है ना, चार्जेबल, ये जल रहा है। और अभी हम खा रहे हैं दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में है क्या? दोपहर के खाने में गुल्लू बिरयानी। ये गुल्लू आपको कहाँ मिल गया? गुल्लू को ढूंढना पड़ता है मुझे गोधरा पे। अच्छा, कहीं ना कहीं मिल ही जाता है गुल्लू आपको। तो अभी हम खाते हैं गुल्लू की बिरयानी। हाँ, मजेदार गरम गरम चटपटी। बफर जोन से हलीम लिया है, गुल्लू से बिरयानी ली है। क्या बात है भाई आपकी। अरीप को बुला के ला भाई। मैंने बुलाया। जाओ अरीप को बुला के लाओ, खाना खाएगा अरीप भी। जाओ भाई। मेरा मुन्ना, इसके साथ कल एक सीन हुआ है। इसके साथ कल एक सीन हुआ, फनी वाला सीन हुआ। अच्छा, हमें चाहिए था प्रीवियस जो वीडियो हमने डाली है ना, अब्दुल्ला की पिटाई वाली, उसके लिए हमें थंबनेल चाहिए था। और हम इसको बोलना, भाई थंबनेल दे दे, थंबनेल दे दे, ये नहीं दे रहा ना, इसको हंसी आ जा रही। तो हमने क्या किया, हानिया ने लिया इसके, रख के मुंह पे एक चमाटा लिया खींच के। ये रोने लगा, फिर मैंने जल्दी से इसका एक सीन जो है वो कैप्चर कर लिया। कल बहुत मजा आया। ये वाली वीडियो देखिए, फिर पता चलेगा आपको। तो अभी खाते हैं हलीम, टेस्ट करते हैं हलीम कैसा है। ये बहुत सारा मसाला, हरी मिर्च, पुदीना और प्याज। बहुत मजे का हलीम है, बहुत अच्छा हलीम है। लेकिन भूख नहीं है, बात सारी है। नाश्ता इतनी देर से किया है, क्या करें, हड्डी की। अल्लाह, हलीम में हड्डी आई, कबाब में हड्डी नहीं है। बिरयानी भी टेस्ट करते हैं कैसी है बिरयानी, गुल्लू ने कैसी बनाई है बिरयानी। ये खाना बहुत ही खाना, बिरयानी भी मजेदार है। बस करना, बस कर, बस कर, बस कर। खाना तो टूटी नहीं थी, खाओ। तुम्हें कौन रोक रहा है, दफा हो यहाँ से, बगैर भी बोटी खाएंगे हम। जी तो यहाँ पर आ गई है बच्चों की फरमाइश के मुताबिक कोल्ड ड्रिंक। इसको जरा सही से चिरो होने दो, अभी थोड़ी देर में डी डी में रख दो, डी में रख दो इसको थोड़ी देर, इतनी चिल नहीं है, थोड़े आधे घंटे के इसको डी फ्रीजर में रखो, ये चिल हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी तो फिर इसको पियेंगे हम। क्या हानिया, इतनी ठंडी नहीं है बेटा, इतनी ठंडी नहीं है, हल्की ठंडी है ये, बोतल ठंडी है, अंदर से गर्म हो रही है, इतनी ठंडी नहीं है। खराब है, ठंडी नहीं है, रख दो। हाँ, डी में रख दो इसको, डी में रखो। हाँ जी, तो अभी हम चलते हैं किचन में खाना बनाने के लिए। आज हमारे यहाँ बन रहा है यखनी पुलाव, और यखनी पुलाव जो हमारे यहाँ बन रहा है ना, वो बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ मैं यखनी पुलाव। बहुत दिनों से हमने यखनी पुलाव बनाया ही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ अब्दुल्ला जो है ना, वो थोड़े से नफरत दिखाता है पुलाव खाने में। वो कहता है कि बिरयानी बनाओ पह वाली। तो आज मैं अड़ गई, मैंने कहा नहीं, कह रहा था कि आप पुलाव नहीं बनाए, मैंने कहा नहीं पुलाव ही बनेगा। कह रहे चिकन का सालन बनाने, कढ़ाई गोश्त। अच्छा, कढ़ाई गोश्त उसको इतना पसंद है अब्दुल्ला को, हमेशा मना करता है, कहता है कि ना पुलाव नहीं बनाए, कढ़ाई गोश्त बना दें चिकन का। लेकिन मैंने इसको आज मना कर दिया, बेटा तुम कुछ भी कर लो, कुछ भी तुम्हें हम बाहर से कुछ ला कर खिला देंगे, लेकिन पकेगा हमारे यहाँ आज पुलाव, आज हम पुलाव ही बनेंगे। तो इसलिए मैं किचन में आएंगी, थोड़ी सी तैयारी करूँगी किचन की। यखनी तैयार हो गई है, बाकी जो भगाने का सामान है ना, प्याज कटिंग होनी है, टमाटर, हरी मिर्च कटिंग होनी है, तो मतलब ये सारा काम करना है। जल्दी जल्दी ये वाला काम करते हैं और खाना बनाते हैं। आज तो पता है मैंने दोपहर का खाना भी नहीं खाया, ये लाए तो थे लेकिन मुझे भूख नहीं थी तो मैंने खाना खाया ही नहीं। अब मुझे भूख लग गई, अब मैं सोचा कि अब इस टाइम क्या खाऊं, फिर पुलाव नहीं खाया जाएगा, तो इसलिए जो ना जल्दी से पुलाव की तैयारी करते हैं, पुलाव बनाते हैं और खाना खाते हैं। देखें ये अब्दुल्ला की कारस्तानियाँ। अब्दुल्ला जब इनके साथ कहीं ना कहीं जाता है ना बाहर,
तो कुछ ना कुछ लेकर आता है। अभी ये लेकर आए हैं सर्दियों की सौगात, सर्दियों में ही आती हैं सही चीज़ें। ये जो पत है मूँगफली, और ये उसके लड्डू हैं पॉपकॉर्न के, मुरमुरे के लड्डू, ये चीज़ें तिल के लड्डू, ये सारी चीज़ें अभी तक लेकर आए हैं जाके इनके साथ। और ये गए थे सौदा लेने के लिए, धनिया पुदीना दही वगैरह लेने के लिए गए थे एक दो चीज़ें, तो इनके साथ गए और ये सब सामान लेकर आ गया। और अभी मुझे छोटी सी टेंशन हो गई क्योंकि मेरा जो NIC ना वो मिसिंग है, वो अभी मिल नहीं रहा। और हमें एक ज़रूरी काम छोटा सा हमें बनवाना है वानिया का NIC, तो हम क्योंकि ना उसका NIC बनेगा क्योंकि अब नेक्स्ट ईयर जो है ना उसका यूनिवर्सिटी स्टार्ट होगी ना, तो हमने सोचा कि पहले से बनवा के रखते हैं ताकि ना उस टाइम जो है ना फिर हमें मुश्किल नहीं होगी। तो अभी हमने सोचा कि इसी मतलब इन्हीं दिनों में हम बनवा लेते हैं ताकि आगे जाके हमें परेशानी ना हो किसी चीज़ की। तो अभी हम डॉक्यूमेंट्स वगैरह देख रहे थे तो देखा तो मेरा जो NIC ना वो मिसिंग है। अब पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, या तो मैं रख के भूली हूँ या फिर ये रख के भूले। अभी थोड़ी सी डांट भी खाई और मुसलसल ये मुझे डांट रहे हैं थोड़ी थोड़ी देर में आके कहाँ रख दिया। दोबारा से देखना पड़ेगा, बैग्स वगैरह देखने पड़ेंगे सारे, जो छोटी मोटी मतलब चीज़ें जो जहाँ पे हम रखते हैं ऐसे देखना पड़ेगा कहाँ रखा हुआ है। अल्लाह जाने कहाँ रख दिया मैंने, अल्लाह करे मिल जाए वरना ये मेरी जान खा लेंगे, क्योंकि ये बोल रहे थे कि एक दो दिन के अंदर जो है ना हम लोग NIC के लिए जाएंगे वानिया के लिए, ये देखो कल या परसों किसी भी दिन। और मेरा जो NIC है ना जाहिर सी बात है वो भी ज़रूरी है, मेरे NIC के बगैर तो बनेगा नहीं इसका NIC। सारी चीज़ें सारे डॉक्यूमेंट्स रखे हुए हैं लेकिन इससे पर मेरा जो NIC है वो मिसिंग है, अल्लाह करे मिल जाए। दोबारा से ढूंढेंगे और देखते हैं क्या होता है। क्या कर रहे हैं भुट्टे बना, ये किसके लिए बना रहे हैं भुट्टे? अब्दुल्ला भाई के लिए, अब्दुल्ला सेठ के लिए बना रहे हैं भाई, वो शौक से खाता है। और सुने चम्मच खराब ना हो जाए, तो आपने चम्मच लगा लिया इसके अंदर? नहीं, तो मैं देती दूँ। जी 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 प्लीज प्लीज बोलिए 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 बोलिए। प्याज फ्राई, हाँ हाँ डांटे डांटे थोड़ा सा डांटे डांटे भाई, बहुत गर्म है आराम से खाना जरा भुट्टा। एक उतर गया और एक चढ़ गया, एक उतर गया एक चढ़ गया। अच्छा जी तो आ गया हमारा जो ना पुलाव है ना यमी सा बिल्कुल तैयार हो गया है। चिकनी रोटी प्लस पुलाव बहुत मजे का। चलो भाई अब्दुल्ला खाना खा लो आपको। अच्छा जी ये दो पर्स ऐसे हैं जिसके अंदर मैं अपनी सारी चीज़ें रखती हूँ, छोटी मोटी जो होती हैं पैसे हैं या जो भी है, देखती हूँ है या नहीं क्या है, NIC कहाँ गया मेरा आखिरकार। चाबियाँ वगैरह भी इसी में हैं, इसमें नहीं है। मेरा जो NIC है ना वो अभी तक मिला नहीं। ये कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें दिया था, जब तुम अमेजोन का कोर्स करने के लिए गई थी, एडमिशन लेने के लिए गई थी, तो मैंने तुम्हें तुम्हारा NIC दिया था, तुमने मुझे वापस नहीं किया। अब मैंने सब जगह देख लिया, मैंने जितने पर्स वगैरह होते हैं जो मेरे मतलब यूज़ के होते हैं जिसमें मैं अपना मतलब छोटा मोटा कीमती सामान होता है मैं वो रख देती हूँ, तो मैंने सब जगह देख लिया लेकिन मेरा जो NIC है ना वो अभी तक मिला नहीं है। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बारह मैंने मुझे बहुत डांटा उस वक्त कैमरे के सामने, इन्होंने मुझे नहीं डांटा लेकिन ना वैसे पीछे से मुझे बार 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 डांट पड़ रही है कि कहाँ रख के भूल गई, तो तुमने मुझे क्यों नहीं दिया वापस, से तुम्हारा काम मुकम्मल हो गया था। तो अब मुझे याद पड़ रहा है कि मैंने शायद इनको अपना काम मुकम्मल करके दे दिया था, और ये कहने के नहीं तुमने मुझे NIC नहीं दिया है वापस। अब सुबह मैं देखूँगी कि मैंने अपना NIC कहाँ रखा है, क्योंकि उसका NIC बनवाना ज़रूरी है, और क्योंकि अब चंद महीने ही हैं
अभी मतलब 7-8 महीने में भी इसके पेपर्स शुरू हो जाएंगे, पेपर्स के बाद इसका यूनिवर्सिटी का स्टार्ट होगा, तो मैंने सोचा कि पहले से बनवा के रखूँगी ना सारी चीज़ें, तो वहाँ जाके हमें आसानी रहेगी, उस टाइम फिर हमें ज़्यादा भाग दौड़ नहीं करनी पड़ेगी, ज़्यादा मतलब स्ट्रगल नहीं करना पड़ेगा उस चीज़ के लिए ना, अभी बन जाएगा ना तो अभी ठीक रहेगा। तो इसलिए जो ना ये परेशान हो रहे हैं, मैं भी परेशान हो रही हूँ, मेरा एनआईसी मिलेगा, सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होंगे तो ही जाएगा, क्योंकि हर चीज़ मौजूद है, जो वैक्सीनेशन कार्ड थे हमारे वो भी हैंगे, इनका एनआईसी, मेरा एनआईसी, और हर चीज़ डॉक्यूमेंट्स जो हम संभाल के रखते हैं रखे हुए, लेकिन सब कुछ है उसमें, मेरा एनआईसी नहीं है। अब सुबह देखूँगी कि मैंने अपना वो एनआईसी कहाँ रखा है, और अभी भी रात के 2 बज रहे हैं और अभी भी मैं याद कर रही हूँ, मेरे जहन में नहीं आ रहा, मैंने अलमारी में वार्डरोब में देख लिया, ड्रॉअर्स में देख लिया, बड़ी बड़ी अलमारी में देख लिया, सब जगह देख लिया, लेकिन वो मतलब एनआईसी पता नहीं कहाँ रख दिया मैंने, है तो घर में ही, इतना तो मुझे याद है कि है घर में, अब देखो देखूँगी कि कहाँ रखा है, गाड़ी रखा, याद आ जाए अल्लाह करे। तो आज का व्लॉग हम यहीं पे करते हैं एंड, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करें, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, अल्लाह हाफिज़।